जरूरत है अच्छे इंसानों की, अच्छे इंसान भी बनना चाहिए। तो आप सभी के दिल में रखना आज होना चाहिए कि आज का जो लेक्चर हुआ है, आज कुछ ना कुछ अपने यहां से लेके जो बोला है वो चीजें ध्यान में रखते हुए खुद को बदलाव करना है। तुमको नशा के कितने प्रकार होते हैं मैं तुमको बताता हूँ। सिगरेट होता है, एमडी, गुटखा होता है, कुछ चीजें ऐसे है कि आपको पता नहीं चलते, डेली मिलते हैं, मेडिकल में भी मिलता है, जिसको व्हाइटनर मिलता है। चीजें बड़ों ने देखना चाहिए, बड़ों ने देखना चाहिए। जब किसी के नजर में आता है तो उनको समझाना चाहिए, उनके घर वालों पर जाना चाहिए, मोहल्ले। इसलिए हर एक इंसान ने, अपने मोहल्ले के लोगों ने, बच्चे स्कूल आते जाते के साथ में सब होगा तो लोगों पर असर पड़ेगा। तो आप सब तैयार हो, हम लोग भागेंगे खाली बस। बस बोलो जी मैम, क्या कुछ कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में, खासतौर पर समिति केंद्र चला रहे आपको? नशा मुक्ति दिन सेलिब्रेट किया जाता है। जो नशा जो बेचते हैं ये सब लोग बच्चों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो बच्चों के लिए अवेयरनेस रैली पुरार पुलिस थाना अंतर्गत आयोजित किया था, जिसमें पुरार वासियों ने या बच्चों ने बहुत ही सहयोग दिया। इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। पुरार पुलिस थाना अंतर्गत मैं सभी के आभारी नशा मुक्ति के लिए कि नशा मुक्ति मत करो। जो एक अगर आदमी नशा करता है, बच्चा करता है, तो उसकी पूरी फैमिली बर्बाद होती है, उसके माँ बाप, बच्चे, जो शिक्षक है, वो सब पूरी फैमिली बर्बाद होती है। तो आप नशा मुक्ति कर मत, नशा कर मत करो। अगर ऐसा कोई करता है तो पुलिस को इन्फॉर्म करो, ताकि पुलिस उसके ऊपर एक्शन ले।
देखो भाई, हम आज पठानवाड़ी में कुराल पुलिस स्टेशन के अधिकारी, पठानवाड़ी के जिम्मेदार, और आज हम एक बड़ी मीटिंग का आयोजन भी किया। हमारी मीटिंग अभी ख़त्म हुई, हम अभी रैली लेकर निकले थे, और इसके लिए छोटे छोटे नशे तो बहुत से चलते थे, बाकी MD जैसे इंजीनियर के तौर पर लेते हैं, जुबान पे नीचे रखने के बाद एक एक चीज़ छोटी छोटी 5-5 हज़ार की आती है। और हमारे जो बच्चे हैं, हमारी बस्ती के, मुंबई शहर के, महाराष्ट्र के और पूरे हिंदुस्तान के बच्चे, स्कूलों में जाओ, हाईस्कूल में जाओ, कॉलेजों में जाओ, हर जगह पे जाओ, तो ये नशे के आदि हो गए। एक खराब होता है 10 को खराब करता है। तो आज हम दिल के गहराइयों से, आज हमने अपनी पठानवाड़ी में मीटिंग लिया पुलिस स्टेशन, और हम सबने मिल के ये हमने नक्की किया है कि नशा मुक्त हम यह बम्बई शहर में ख़त्म करेंगे। ऐसा अभियान हम हमारे पुलिस स्टेशन और पठानवाड़ी से हम अभियान चालू करेंगे। आज लोगों को बोल दिया है हमने कि इससे बहुत खराबी आती है, बर्बादी आती है, माँ बाप रो रहे हैं, स्कूल कॉलेज में भेजते हैं इनको, तो बहुत अरमान के साथ भेजते हैं, आज माँ बाप को रुला रहे हैं। इस हालत में आज हो गया है, सबको पैसे की परेशानी है, बहुत गरीबी में जी रहे हैं, और लड़के इतने इतने बिगड़ चुके हैं, ऐसा माहौल बन गया है पूरे हिंदुस्तान में। तो आज हमने अभियान शुरू किया है, और हम पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि भाई आप लोग भी जागरूक हो जाओ और नशा मुक्ति के खिलाफ होकर एक आवाज़ में बोलो। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज छोटे बच्चे को आपने सेमिनार करके समझाया है, तो कितना ज़रूरी है छोटे बच्चे को ये समझाना? ये समाज में कार्य करते हुए हमें बच्चों के साथ साथ बड़ों को और बूढ़ों को सबको एक संदेश देना है कि जो भी नशीली पदार्थ है वे बच्चों के सामने ना करें, कि बच्चों के उसके ऊपर असर होता है। हर एक तरह के नशे हैं जो आज ओपनली किए जाते हैं, और कानून पुलिस उसके ऊपर कानून कार्रवाई करती है, उसके लिए कानून में प्रावधान है। पीने वाले के ऊपर और बेचने वाले के ऊपर, दोनों के ऊपर कार्रवाई करती है। आज का जो एक प्रयोजन, रैली का प्रयोजन था, ये 26 जून से 15 दिन का जागतिक अमली पदार्थ गैर व्यापार विरोधी दिन बोल के 15 किया जाता है, 15 दिन उसी दौरान का एक प्रोग्राम आयोजित किया है, और ये रैली निकाली है, समाज प्रबोधन के लिए रैली निकाली है, और कुरार पुलिस स्टेशन के साथ साथ कुरार वासियों ने ये रैली में सहभाग लेके सहयोग किया है। ऐसा ही सहयोग हमेशा करे, पुलिस के साथ रहेंगे। पुलिस योगी जो कार्रवाई है वो अमली पदार्थ यूज करने के ऊपर जो भी करते हैं लोग, उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है वो पुलिस की तरफ से की जाए। इसके बाद अभी कोई और कार्यक्रम है आपका ये नशा मुक्ति का? अभी स्कूलों में करवाने वाले हैं, 15 दिन के बाद एक बड़ा आयोजन, एक 15 दिन के बाद हम लोग बड़ा आयोजन करवाते हैं, और सब स्कूल में, मैंने 2 दिन स्कूल में करवाया है, अभी एक हीरा अल हीरा करके स्कूल है उसमें भी होगा, ऐसे 8-10 स्कूलों में प्रोग्राम होगा। कुरान नहीं होगा जब तक ये अभियान चालू रहेगा। हर 15 दिन 1 महीने में एक मीटिंग ऐसी आयोजन होती रहेगी, और खासकर बच्चों के माँ बाप से अपील है कि उनके बच्चों पे ध्यान दे, साथ में जुड़े जो नशा करते हैं उनको हटाने के लिए माँ बाप से खास अपील है, खास अपील है कि बच्चों पे खास ध्यान दे कि बच्चे क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, खास इसका ध्यान दे बच्चे। ठीक है।